आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ The question is which of the following statements is false. देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है देखो ऑप्शन वन में लिखा है एंजियोटेंसिन बीइंग से पावरफुल वैसो वैसोकॉन्स्टिक्टर इनक्रीज ग्लोमेर प्रेशर एंड जी बाय आर तो देखो ये बिल्कुल सही बात है जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होती है ठीक है ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा ठीक है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो इस कंडीशन में किडनी की जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और जब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो वो सिक्रीशन करती हैं रेनिन का तो रेनिन फर्दर क्या करता है तो देखो लीवर से रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कौन कन्वर्ट करता है तो देखो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है रेनिन ठीक है फर्दर एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है एंजियो टेंसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, है ठीक से रिलीज होता है कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि फर्स्ट को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर अब देखो ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये पावरफुल क्या होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या है पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ठीक है इट इज पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो कि क्या करता है कॉन्स्ट्रिक कॉन्स्ट्रिक्शन uh, करता है ब्लड वेसल्स का अगर ब्लड वेसल्स का करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा जिससे ग्लोमेर फिल्ट्रेशन रेट जो कि डिक्रीज हो गई थी वो नॉर्मल हो जाती है ठीक है इट इंक्रीज ग्लोमेरुलर प्रेशर एंड दी एफ आर दैट इज द ग्लोमेर फिल्ट्रेशन रेट सो हेयर ऑप्शन वन इज द करेक्ट ठीक है ऑप्शन टू में लिखा है एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट द कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टिरोन तो बिल्कुल सही बात है ठीक है एड्रिनल कॉर्टेक्स से हम देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है मेन मिनरेलो ठीक है जिसमें मेनली कौन सा मिनरेलो होता है एल्डोस्टिरोन ठीक है तो एंजियोटेंसिन सेकेंड फर्दर एक्टिवेट कर देता है सेकंड फर्दर एक्टिवेट कर देता है जिससे एल्डोस्टिरोन रिलीज होगा और एल्डोस्टिरोन क्या काम करता है तो ये नेफ्रोन की जो डीसीटी होती है डिस्टल कॉन्विलेटल ट्यूबवेल से वहां से क्या करता है रीअ्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आइंस ठीक है हेल्प इन ऑफ सोडियम फ्रॉम द डीसीटी ठीक है हेल्प इन ऑफ सोडियम आइंस सोडियम आइंस का रीअबजॉर्प्शन कराता है सोडियम आइंस फ्रॉम डीसीटी डिस्टल कॉन्विलेटल ट्यूबवेल ऑफ नेफ्रोन ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो भी बिल्कुल करेक्ट है ठीक देन आता है ऑप्शन थ्री एल्डोस्टीरोन प्रोमोट रिओब्जॉर्न ऑफ सोडियम आइन योडियम करता है दैट इज द डिस्टल कॉन्वीलेटल ट्यूबिल एंड कलेक्टिंग ट्यूबिलीडिंग टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेडलर फिल्ट्रेशन रेट इट इज ऑल्सो करेक्ट हिठीक है ऑप्शन 3 भी यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन फोर के अंदर लिखा है ए एन एफ कोजेजिक फैक्टर जो कि कहाँ से रिलीज होता है आर्ट्रियल वॉल ऑफ हार्ट ठीक है और ये क्या करता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है ठीक है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा तो ये वैसो डाइलेशन का काम करता है बट यहाँ पे लिखा है कि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम कर रहा है तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है हमें क्वेश्चन में फोल स्टेटमेंट ही सेलेक्ट करना था दैट इज ओनली ऑप्शन फोर तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ओनली ऑप्शन फोर ओके क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भर हो सकता है आज डाउनलोड करे या नॉट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर